सब्सक्राइब कीजिए गार्निंग बॉय को और दबाएं बेल का आइकन और इसे सेलेक्ट करें ऑल ऑप्शन पे ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सभी दोस्तों का वेलकम करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे छत पे हम सब्जियां कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है जहाँ से हमने सीड लिए थे, तो वो वीडियो का लिंक हम वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, और दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है तो आप अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि हमें आगे भी कुछ फ्रेंड हमारे जुड़ सकें। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारे हैं तोरी के प्लांट। तो ये देखिए अभी छोटे छोटे हैं, तो इस समय बरसात है जो कि स्टार्ट हो गई है। तो बरसात में आप जानते ही हैं कि हर प्लांट बहुत अच्छे से उसे माहौल मिलता है नमी वाला, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो बरसात स्टार्ट होने का यही फ़ायदा मिला है। तो ये देखिए बहुत तेज़ी से इनकी जो ग्रोथ स्टार्ट हो गई, और ये देखिए मैंने किसमें लगा रखा है। तो आप जैसे कोई बड़ा सा टब ले सकते हैं, मैंने तो ये देखिए ये एक लकड़ की ये टोकरी ली है, ये गोल सी है, और इसमें मैंने ये कपड़ा बिछा रखा है और इसमें मैंने मिट्टी भर दी है। कपड़ा बिछाने का दोस्तों ये कारण होता है जब भी हम पानी दें तो देखिए ये इसके साइड साइड में जो होल होते हैं वहाँ से पानी ना निकल जाए। और मिट्टी देखिए हमने बहुत खाद वाली बनाई है इसमें, इसमें हमने बर्मी कंपोस्ट और अपने गार्डन सॉइल मिला के बहुत अच्छे से मिट्टी हमने तैयार की है। ताकि दोस्तों सबसे अच्छी यही है कि जितनी अच्छी आपकी मिट्टी होगी उतनी अच्छे आपके प्लांट होंगे। तो इधर देखिए ये है लौकी। तो इधर देखिए लौकी भी बहुत सारी हमने लगाई हैं, तो कुछ हमारे नीचे गार्डन में लगी हुई हैं और कुछ हमने टेरेस पे लगाई हैं। तो ये देखिए इसे भी हमने लगाया है, तो इसकी भी बहुत अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और ये एक से डेढ़ महीने बाद फ्रूटिंग शुरू कर दे। तो इसे भी देखिए हमने, इसमें देखिए आप होल देख रहे हैं, ये देखिए। तो दोस्तों इसी में हमने इसको लगा रखा है, काफ़ी बड़ी सी है टोकरी ये। तो ये आपको मिल जाएगी जहाँ हार्डवेयर शॉप होती है वहाँ पे आपको ये 100 रुपये 150 रुपये आपको मिल जाएगी। इसमें लगाने का यही दोस्तों फ़ायदा है कि इसमें आपकी जो जड़ें हैं प्लांट की वो एयर प्रूनिंग होती रहती है, तो उसके कारण आपको इसमें है रूट बाउंडिंग नहीं होती है। तो इसीलिए आप जब भी प्लांट लगाएं तो ऐसी चीज़ों में लगाएं तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी आप हमारी वीडियो में बने रहिए, हम आगे भविष्य में भी इसकी अपडेट आपको ज़रूर देंगे। और देखिए इनमें अगर हम खाद की बात करें तो दोस्तों इसमें बर्मी कंपोस्ट जो है कि हमने जब लगाया था प्लांट जब डाली थी उसके बाद भी हम इसमें जो कि है कि खाद डालते रहते हैं, जैसे बोन मील हो गया है, DAP कभी कभार हम एक आध दाने डाल देते हैं, फिलहाल वो केमिकल खाद है। तो इधर देखिए, इधर हमने देखिए सेम लगा रखी है, हमारे यहाँ इसको सेम कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं ये आप देख लीजिए। तो ये देखिए हम इसे सेम कहते हैं, तो हमने यहाँ देखिए लगा रखे हैं, ये दो प्लांट हमने लगाए हैं। तो इसके भी हम सीड लाए थे तो हमने यहाँ लगा दिया है। और इधर देखिए ये हमारे तोरई की बेल है, तो इस पर भी फ्रूटिंग हो रही है। तो इसको हमने लॉकडाउन जब लगा था तब हमने इसको लगाया था, तो उसके बाद ये देखिए ये बेल जो है कि ये तोरी की बेल है, तो ये बहुत जल्दी तैयार हो गई है। देखिए इसमें फ्लावर भी आने लगे हैं। तो दोस्तों ये भी है कि आप अपने जो खाली समय है उसमें आप ऐसी गार्डनिंग कीजिए, गार्डनिंग को इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों आप भी ऐसे घर पर ऑर्गेनिक सब्जियाँ लगा सकते हैं। देखिए बरसात हुई है रात में, तो हमारे चारों तरफ ये देखिए पानी भर गया है, पूरे खेत भरे हुए हैं और बादल भी देखिए लगा हुआ है। तो दोस्तों इस समय ये है कि गार्डनिंग करने का बहुत सही टाइम होता है। आप इस समय कोई भी प्लांट लगाएं, अगर आप नए हैं तो भी आप कोई भी प्लांट लगाएं तो वो प्लांट आपका अच्छे से लग जाएगा। तो आपको देखिए हमारी टेरेस गार्डन कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।